हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए टाटा का दमदार शेयर है टाटा। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक अलग सी मुहिम चल रही है टाटा के प्रोडक्ट से रिलेटेड। जब से टाटा ट्रस्ट या टाटा ग्रुप की तरफ से कोरोना वायरस के लिए यहाँ पे 1500 करोड़ के डोनेशन की बात हुई, ऑलमोस्ट मतलब बहुत बड़ा वो डोनेशन अमाउंट था, तो उसके बाद यहाँ पे लोग जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके टाटा यानी कि इंडिया का जैसे प्रोडक्ट कहते हैं टाटा की कंपनी को, मतलब इंडिया का एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी माना जाता है। और कहा जा रहा है कि हाँ, हर तरीके से लोग कन्विंस कर रहे हैं कि बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से ज़्यादा टाटा के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, और टाटा का एक अलग ही मुहिम ये चल रही है। और मुझे लगता है कि इस मुहिम का फ़ायदा टाटा को आने वाले टाइम पर हो सकता है, और टाटा का ये दमदार शेयर। लेकिन अब बात है, चलिए फायदा मुहिम, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, ये स्टॉक का जो मार्केट है वो मार्केट बड़ा जबरदस्त बना रखा है इसने। डेट फ्री शेयर है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे टाइम पे, क्योंकि गिरावट का टाइम है, अनसर्टेनिटी का टाइम है, हर कोई चाहता है मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक चूज करके रखूँ जिसके गिरने के चांसेस ना के बराबर हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं करूँ, चाहे मैं किसी भी प्राइस पे उसको खरीदूं, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचूं, और उसका फ्यूचर होना चाहिए, उस बिजनेस का भी फ्यूचर होना चाहिए, उस स्टॉक का भी फ्यूचर होना चाहिए, और ग्रुप के ऊपर पीछे कंपनी के पास पैसा भी होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर अगर जरूरत पड़े तो पैसा भी तो हो कंपनी को आगे एक्सपेंड करने के लिए। तो टाटा का ये दमदार शेयर है, पैसा बहुत है, डेट फ्री शेयर है, उधार मुक्त शेयर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलेंगे, जरा देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टाज, यानी कि इंडिया का एसी, टाटा का एसी वोल्टाज। खासकर अगर आप अपने आसपास देखो, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर बहुत है, यानी कि जो वोल्टाज है वो खासकर मिडिल क्लास में पकड़ बनाए हुए है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो मारुति की गाड़ियां हैं वो मिडिल क्लास ने पकड़ बनाई होती है, उसी तरीके से टाटा का ये वोल्टाज का एसी है, एसी के सेगमेंट में जो मिडिल क्लास ने इसके ऊपर जो है छाप छोड़ रखी है, हर कोई घर में अगर आप देखोगे मैक्सिमम जगह पे वोल्टाज देखने को मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे अगर टाटा की शेयर होल्डिंग की बात की जाए, वोल्टास में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 26-27% की होल्डिंग है, और अगर बाकी देखी जाए, बाकी होल्डिंग किसकी है, वो सारे म्यूचुअल फंड, LIC की 5% की होल्डिंग, HDFC म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, बाकी सारी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन्होंने सबने इसमें होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब वोल्टाज की बात आती है, देखिए 16,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है, 500 रुपये का शेयर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, डेट फ्री शेयर है, ना के बराबर डेट है, वैल्यू तो अच्छी है भाई। लेकिन अब बात आती है, वैल्यू अच्छी है, गिरावट के टाइम पे कितना नीचे गिर सकता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी शेयर को अभी के टाइम पे अगर आप खरीद रहे हो तो उसका ग्रोथ एंड ऑल सारी चीज़ें देखिए उसकी। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी शेयर को खरीद रहे हो तो उसको ठोक बजा के देखिए, उसका बिजनेस सोचिए। अब AC का बिजनेस क्या कम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अभी गर्मी आएंगी, लोग घरों में हैं, AC खूब चलेगा, और नए नए AC अभी तो खैर बिक तो कैसे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पूरा एसेंशियल आइटम के अलावा कुछ तो बिक नहीं रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ये चीज़ें ओवर होंगी, अगले सीजन में बिकेंगी, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो इस सीजन के अगले सीजन में बिकेंगी। सेल्स की अगर आप बात करें तो इसमें जैसे अगर सीजन, जैसे गर्मियों के सीजन में अभी लॉकडाउन है तो सेल नहीं होंगी, तो इसको नुकसान होगा तो शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है शेयर का प्राइस, तो आपके को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा आपको किसका, खरीदने का। अब प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, नो डाउट जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, अल्टीमेट ग्रोथ वाला स्टॉक, ऐसा नहीं कि कोई ग्रोथ वाला स्टॉक है। अब हम देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल पार्ट पे, हमने सारी चीजें देखी, समझने की कोशिश करी, बढ़िया शेयर हर तरीके से। अब बात आती है टेक्निकल पार्ट पे, तो मैं आपको मंथली से लेके चलता हूँ। देखिए मंथली पे अगर आप देखो, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, और उसके बाद पिछले ये अप्रैल का महीना थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग 26-27% है टाटा की, बाकी सब म्यूचुअल फंड एंड ऑल्ट की होल्डिंग है। लेकिन अगर गिरावट कंटिन्यू होती है आने वाले टाइम पे, तो इस शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है। सोचिए इस शेयर में, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी गिरावट आ सकती है, और अगर कंटिन्यू होती है, और अगर ये लॉकडाउन बढ़ के जो है जो जून तक जाए, मई जून तक जा सकता है, तो AC की जो सेल है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे गिर सकती है। तो इस सेक्टर के, इस स्टॉक के लिए पर्टिकुलर काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है जो इस शेयर में मुझे लगता है कि काफ़ी गिरावट ला सकता है आने वाले टाइम पर। लेकिन
गिरावट क्या होगी आपके लिए? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, ग्रैब ग्रैब करके प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो आप तो अभी तो भाई इंतजार। अब मैं आपको दिखाता हूं 2008 के टाइम फ्रेम में। 2008 सोचिए, यहां पे 270 रुपए से गिरा, और कितने रुपए तक गिरा है? 30 रुपए से, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का शेयर है भाई, काफी नीचे गिरावट आती है। 30 रुपए तक गिरा है 270 रुपए का शेयर। जरा सोचिए परसेंटेज वाइज कितना परसेंट होता है, ये 85 to 88% के आसपास यहां पे आ रहा है। जरा सोचिए कि मतलब कि कोई स्टॉक इतना नीचे गिर सकता है कि 270 रुपए का शेयर यहां पे गिर के 30 रुपए पे आ जाता है, और अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो वो 80% की वैल्यू उसके नीचे गिर सकती है। अब आप कहोगे अरे वाह भाई इतने नीचे गिर गया। अब 270 से 30 रुपए आना मतलब 240 रुपए की गिरावट। देखिए मतलब मार्केट में स्टॉक कितने नीचे गिर सकता है। 30 रुपए से अब रिकवर करके देखिए 500 600 रुपए तक गया है। अब आप कहोगे इतना गेन हो गया। अब गिरावट की बात आती है, मैं आपको फिर से कहूंगा, जब गिरावट की बात आती है, जब सेलिंग प्रेशर हैवी होता है, तो कुछ भी नहीं टिकता मार्केट में। अब सोचिए आगे अगले आने वाले 2 3 महीनों में सेल होगी नहीं तो कहाँ से ऊपर जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी? अगले साल का पैसा कहाँ से? मैं कहूँगा कि अगले साल का जो लगाएगा एसी बनेंगे, जो बन चुके हैं एसी उनको कहाँ बिकेंगे? वो सारी चीज़ें सोचने की बात है। यानी कि गिरावट पेंडिंग है, मुझे लगता है गिरावट पेंडिंग है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें बड़ी गिरावट। अब वो कितनी बड़ी गिरावट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 250 के लेवल का, आपको 250 के लेवल तो बहुत ही नीचे कह रहे हो आप। देखिए अगर गिरावट आएगी तो डेफिनेटली बहुत नीचे आ सकता है शेयर, और क्योंकि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू होता है अप्रैल से आगे मई में भी अगर कंटिन्यू होता है तो सिचुएशन इस शेयर के लिए, क्योंकि ये सीजनल शेयर है, गर्मियों में ही मार्च अप्रैल इसी में ही इसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों में इसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊंगा ये चार्ट। देखिए आपको ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझें। ये देखिए मार्च अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा सेल, मैंने आपको कहा था। देखिए मार्च अप्रैल, देखिए मार्च वाला क्वार्टर, आप पूरा ये क्वार्टरली रिजल्ट आता तो देखिए मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, इन दो के नंबर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर देखिए। और फरवरी मार्च में तो इस बार कुछ बिक ही नहीं पाया, तो आप देख सकते हो कैसे सेल होगी, क्योंकि फरवरी मार्च में सेल होती है या फिर आपका मई जून अप्रैल मई में सेल होती है। यही दो क्वार्टर जो है मेनली प्रॉफिट सारा निकालते हैं। अब इन दो क्वार्टर में ही सेल नहीं हुई तो कहाँ से? ये आप देखिए यहाँ पे नंबर्स देखिए। अब आप कौन सा मार्च जून, ये देखिए कितना प्रॉफिट होता है, और ये देखिए आप फिर से, मतलब वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करोगे मल्टी डायमेंशनल व्यू से, तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है शेयर मार्केट में, अगर आप मल्टी डायमेंशनल व्यू लगाते हो तो। आप अब देखिए यहाँ पे, और मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोच रहे हो तब तो बहुत ही बढ़िया है। तो भावनाओं में नहीं बहना है, अभी आप सोचोगे यार मार्केट में जो है करेक्शन थी, ये तो भाई पॉजिटिव वे में आ चुका है। देखिए पॉजिटिव जाएगा, उछलेगा नो डाउट। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बाइंग यहाँ पे 8 अप्रैल को बड़ी बाइंग हुई है, किसी ने खूब माल खरीदा है इसमें, फिर देखिए। लेकिन अभी ये मेजर जो हर्डल है 520 522 का, उसको पार ही नहीं कर पाया। अगर आप देखो यहाँ पे 8 अप्रैल को बड़ी लंबी अपर शेडो, जो कि एक रिस्क की निशानी होती है, उससे पहले भी आप देख सकते हो कि लंबी अपर शेडो, मार्केट शेयर नीचे धड़ाम। उसके बाद एक ऊपर का बैरियर है जो कि 580 के लेवल पे बैठा है, जो 13 मार्च 20 मार्च का बैरियर है। तो ये एक बहुत सारे बैरियर आपको आते रहेंगे, और मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई भी पॉजिटिविटी देखने को मिल नहीं रही है, कोई हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है बनना। और मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आने वाले टाइम पर आती है तो ये शेयर काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन आपको अपनी लिस्ट में इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि हाँ इन गर्मियों में सेल नहीं होगी, उसकी वजह से शेयर में काफी नुकसान होगा कंपनी को, और आने वाले टाइम पे उधार जो इसका डेट कम है वो डेट भी बढ़ सकता है। बट पीछे ग्रुप बहुत पैसे वाला है, डूबने देगा नहीं कंपनी को। टाटा ग्रुप है, फिलेंथ्रोपी वाला ग्रुप है, डूबने देगा नहीं कंपनी को। और जिस तरीके से टाटा के शेयर्स की जो है प्रोडक्ट्स की जो मुहिम चल रखी है आजकल, वो आने वाले टाइम पर आप देखें। और वोल्टाज जो मिडिल क्लास को इसने कैप्चर कर रखा, जो अपनी इमेज बना रखी है मिडिल क्लास के अंदर, एक इकोनॉमिकल एसी आपको मिल जाता है, सही प्राइसिंग पे मिल जाता है, तो वो इमेज इसकी बहुत सही इमेज बनी हुई है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। बट ध्यान रखें इस साल की सेल तो खत्म, यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना तो आप कहोगे हाँ बात तो सही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। इस साल की सेल कहाँ होगी? फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, 4 महीने तो गए, सेल कहाँ होगी? इनकी सेल इन्हीं 4 महीनों में होती है, इसी की सेल, जरा सोचिए। और इसी तरीके से आपको मैं कुछ और शेयर्स की बात बताऊंगा, किन की, जो पेप्सी एंड ऑल से रिलेटेड शेयर्स हैं, वरुण बेवरेजेस एंड ऑल, जितनी भी ये साइक्लिक शेयर्स हैं जिनमें गर्मियों में माल बिकता है, उनकी सेल पर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो भी बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो उन शेयर में बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते
सकते हो। चलिए ये अपडेट था यहाँ पे वोल्टाज की, हमने बात करी यहाँ पे टाटा का एसी, वोल्टाज एसी, इंडिया का एसी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।